वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि इस वाले व्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं एक मजेदार सा फूड, वो भी ऐसा कि जो लोग जिम कर रहे हैं और जिम में भी स्पेशली कटिंग कर रहे हैं, यानी कि कैलोरीज लॉस में है, कैलोरी डेफिशिट में है, उन्हें ऐसा क्या खाना बनाना चाहिए क्योंकि प्रोटीन नीड भी पूरी हो जाए और उन्हें स्वाद भी आ जाए। तो इस चीज के अद्भुत मिक्सचर को इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल कर दो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर दो। बिना देरी करते हैं, भूख तो मुझे भी लग रही है, चलिए कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सो गाइस, ये टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जिसमें प्रोटीन और कार्ब्स ठीक ठाक हैं, लेकिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, कार्ब्स ओके ओके हैं, इसके लिए हम जो इन्ग्रीडियंट्स लेंगे वो है खीरा, टमाटर, कैप्सिकम, आप रेड कैप्सिकम भी ले सकते हो, थोड़ी सी मिर्ची, ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट बड्स पे, थोड़ा सा चाट मसाला, भाई टेस्ट भी तो चाहिए, और नमक। और मैं ब्राउन ब्रेड से बना रहा हूँ, आप चाहो तो आप वाइट ब्रेड से भी बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो चलिए अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे ये कैसे बनेगा। तो देखिए, मैंने पनीर को कद्दूकस करके रखा है, ये थोड़ी सी धनिया पत्ती, मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लाल मिर्च की जगह काली मिर्च भी डाल सकते हैं, और ये थोड़ा सा नमक, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये बहुत थोड़ा सा चाट मसाला। तो अभी हम इस पे ये जो हमने पनीर का मटेरियल बना के रखा है, ये हम इसमें जाएगा बहुत सारा पनीर, क्योंकि इससे प्रोटीन मिलता है, जो लोग वर्कआउट करते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। और ये इस पे हमने रखा है टमाटर, और ये खीरा ताकि आपकी फाइबर की नीड्स भी पूरी हो जाए, और ये है कैप्सिकम। अजी वाह, मजा आ गया, देख के मजा आ रहा है। और ये अब हमने रख लिया, हमारा सैंडविच तैयार है, अब हम इसको तवे पे रखेंगे, सेकेंगे। आप चाहें तो बहुत थोड़ा सा बटर डाल सकते हैं क्रिस्पी करने के लिए, और नहीं चाहें तो नॉन स्टिक तवे पे, या फिर आपके पास कोई सैंडविच मेकर हो तो उसमें इसको रोस्ट कर सकते हैं, आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं। यस यस। सो गाइस, अन्ना ने दोनों सैंडविच बनने रख दिए हैं, और देख, जैसे कि आप देख पा रहे हो बिना तेल के ये सिक रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बनने के बाद ये कैसे लगते हैं और इसका टेस्ट कैसा आता है। तो गाइस, चलिए मैं आपको बता दूं इसका टेस्ट कैसा है। मम्मा ने बिल्कुल सूखे तवे पे सेके हैं। अगर डाइट ऐसी होती है ना, मैं डाइट छोड़ू ही ना, इतना टेस्टी बनाएगा ये। अगर आपने इस रेसिपी को यहाँ तक फॉलो किया है तो इस वीडियो को तो सुपर डुपर लाइक, अगर वीडियो पसंद आया तो भी आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नया चैनल कर दो सब्सक्राइब। मैं खाना एंजॉय करता हूँ, आप व्लॉग एंजॉय कीजिए, मैं आपसे कल फिर मिलूंगा एक मजेदार व्लॉग के साथ। तब तक आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।